हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरबीएससी से लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है 2021 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है जो 10वीं और 12वीं आरबीएससी बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम अगले सप्ताह घोषित कर सकता है। राज्य शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन मानदंड जारी करते हुए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया है कि आरबीएससी 10वीं व 12वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा 45 दिनों में की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड 23 जुलाई 2021 तक रिजल्ट जारी कर सकता है। अभ्यर्थी आरबीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरबीएससी 10वीं 12वीं का परिणाम 2021 जो कि 23 जुलाई 2021 को या फिर उससे पहले हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nec.in पर आप चेक कर सकते हैं। अंकों को अपलोड करने का काम पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को एक परिणाम पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। छात्रों के अंक पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई और 12वीं कक्षा के लिए 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी, क्योंकि कुछ स्कूल अंक अपलोड करने के लिए तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे, इसलिए बोर्ड ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया था। 21 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। गौरतलब है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के बोर्डों को कक्षा 12वीं का परिणाम 31 जुलाई 2021 तक जारी करने का आदेश दिया था। एक बार आरबीएससी 10वीं 12वीं के परिणाम 2021 जारी हो जाए, उसके बाद विद्यार्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। बता दें कि इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के लिए करीब 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि आरबीएससी 12वीं की परीक्षा के लिए करीब 9 लाख छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। आरबीएससी 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम 2021 मूल्यांकन मानदंड कक्षा 10वीं के अंकों की गणना के लिए कक्षा 8वीं के 45%, कक्षा 9वीं की अंतिम परीक्षा के 25% और कक्षा 10वीं के केवल 10% अंकों को आधार बनाया जा रहा है। हालांकि कक्षा 10वीं के परिणाम की गणना के लिए आरबीएससी कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 11वीं में प्राप्त अंकों को आधार बना रहा है, जिसमें कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम से 45% और कक्षा 11वीं से 20% अंक लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं के आंतरिक अंकों का 20% लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।